ये तकरीब 75 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उसकी डायमंड जुबली प्लैटिनम जुबली डायमंड जुबली जब 100 साल हो जाए जी इंशाल्लाह 75 साल प्लैटिनम जुबली के हवाले से ये तकरीब मुनाकिद की है मेट्रो के तमाम स्टाफ और उनके शाकिर साहब ने और बाकी लोग दोस्त हमारे फैज साहब वगैरह ये सब मिल के। अब मैं उलझन में हूँ दरअसल कि मैं इस प्लैटिनम जुबली की मुबारकबाद पेश करूँ या इजहार गम और अफसोस करूँ। इजहार गम और अफसोस इसलिए कि तकरीबन पाकिस्तान और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख एक जैसी मुझे लग रही है। हम जब फिल्म 50s, 60s, 70s, 80s तक का दौर था तो फिल्में बनती थी, 25 हफ्ते होते थे तो अखबारों में इश्तहारात होते थे कि सिल्वर जुबली हफ्ता, और प्रोड्यूसर खुश होकर फनकारों को दावत देता था, खाना खिलाता था। फिर जो फिल्म 50 हफ्ते करती थी तो उसको कहते थे गोल्डन जुबली। तो गोल्डन जुबली में प्रोड्यूसर उस फिल्म के फनकारों को, डायरेक्टर को, राइटर को, टेक्नीशियंस को सोने की अंगूठियां देता था। मुनव्वर याद है आप। उसके बाद डायमंड जुबली, फिर गोल्डन जुबली, इस तरह का ये सिलसिला जारी रहा। दरअसल ये जुबलियाँ जो हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली या डायमंड जुबली वगैरह, ये दिनों या हफ्तों या महीनों या सालों पर की वजह से नहीं है, कारकर्दगी की वजह से। आज हम देखते हैं कि हमारी क्या कारकर्दगी है हर शोबे में। फिल्म इंडस्ट्री आज है वो फिल्म इंडस्ट्री जो पहले थी, उसकी जंग लड़ी थी और जीती थी। भारत का रेडियो कहता था कि ये कौन, कहां से आवाजें आ रही है, कौन है ये। मैं एक सिद्धि प्रोग्राम करता था इसी जम के हवाले से, जामे जम के नाम से बड़ा पॉपुलर हुआ था। फिर उर्दू में प्रोग्राम होता था, उसमें मेरी रूमा बीवी रुबीना भी इंदिरा गांधी का रोल करती थी। इस तरह बहुत सारा जम के हवाले से अपनी फौजियों को जो बॉर्डर पर लड़ते थे उनकी हौसला अफजाई के लिए वो हम प्रोग्राम पेश करते थे। तो आज भी हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। और हाँ, बात साजिशें हो रही हैं, किसकी तरफ से हो रही हैं, मुझे शायद नाराज़ हो रही हूँ कि मैंने ख़वातीन का नाम क्यों नहीं लिया। अच्छी खासी ख़वातीन बैठी हैं यहाँ और बड़ी प्यारी प्यारी बैठी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हज़रात कहा। क्यों कहा सुन लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है कहना। देखिए हजरत जमा है हजरत की, और हजरत ख्वातीन के लिए भी इस्तेमाल होता है और मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होता है। हजरत उमर, हजरत अबूबकर, हजरत अली, हजरत उस्मान जी, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, सबके साथ हजरत इस्तेमाल होता है। और उसकी जमा है हजरात। तो अगर हजरात कह दूं तो उसमें दोनों आ जाते हैं, ख्वातीन भी
और मर्द right. लेकिन ख्वातीनों हजरात कहना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साहिल समुंदर के किनारे या जैसे हैं हाँ मतलब दोनों चीजें मिला के कहनी है जबकि दोनों का मतलब एक ही है. तो इसलिए हजरात सिर्फ कहना ही काफी है. ख्वातीन और हजरात मेरी नज़र में गलत है लेकिन ख्वातीन और हजरात चूंकि गलत उलाम हो गया है लिहाजा बेतहाशा पढ़े लिखे हमारे लोग जिनको मैं भी इंतहाई पढ़ा लिखा समझता हूँ वो भी ख्वातीन और हजरात कहते हैं इसलिए कि ये गलत उलाम हो गया तो ठीक है. लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि गलत उलाम से हट के सिर्फ सही की तरफ रहूँ लिहाजा मैंने हजरात कहा है माफी चाहता हूँ. अच्छा मुझे आना था मुझे हुक्म मिला कि मुझे आना है. ये 75 साला जो हमारी फिल्म का है ये जो एक सिलसिला है इसमें मुझे होना चाहिए था क्योंकि मैं तकरीबन 1969 से 69 से फिल्म से वाबस्ता हूँ. पहली फिल्म मैंने की थी 1969 में जिसका नाम था घर दामाद. ये हमारे बहुत बड़े फिल्म का बहुत बड़ा नाम उनके बेटे मसूद रिजवी उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी. उनकी भी पहली फिल्म थी मेरी भी पहली फिल्म थी और मैंने ये फिल्म की थी घर दामाद. इसमें कमाल साहब थे और इसमें दीबा थी हीरो हीरोइन. तो ये फिल्म मैंने की थी. अच्छा इस फिल्म का एक मुझे वाकया याद आ रहा है क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी. तो जब हम टीवी में करते थे टीवी में तो हम करते थे ड्रामा टीवी में करते थे तो वहाँ जब थप्पड़ पड़ता था मसलन मैंने एक ड्रामा किया था गालिबन गडासा या अखाड़ा तो उसमें मेरी माँ बनी थी मुझे जब थप्पड़ मारा तो उन्होंने सचमुच का थप्पड़ मारा और मेरे बड़ा थप्पड़ और एक्सप्रेशन बड़ा कमाल आया थप्पड़ पड़ने का. बिठा दे मैं कहीं और बैठ जाऊंगा कोई मसला नहीं है. बिठा दे उन्हें बिठा दो बेटा. माफी चाहता हूँ जरा इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाऊंगी फिर आपसे बात करूँ. अच्छा वो मुस्तफा क्या हाल है कैसे हो खैरियत बैठो तबीयत ठीक है. मुस्तफा हमारी जान है हमारा निगर है. फिल्म के हवाले से अर्ज करूं कि मुस्तफ़ा उर्दू फिल्में करते थे और बहुत अच्छी करते थे बहुत उम्दा करते थे. फिर 71 में एक वक्त आया 72 या 71 बारह के उर्दू फिल्में बिल्कुल कम हो गई और पंजाबी फिल्म बननी शुरू हो गई. मुस्तफ़ा तकरीबन फारिग बैठ गए थे क्योंकि उर्दू फिल्में नहीं बन रही थी. मैं जब आया था फिल्मों में तो हालांकि मेरा भी उर्दू ही से ताल्लुक है और हमेशा उर्दू ही बोली लेकिन जब मैं आया तो मुझे पंजाबी फिल्मों की ऑफर हुई थी लिहाजा मैंने पंजाबी फिल्में की और पंजाबी बाकायदा सीख ली. और किससे सीखी वो हमारे बहुत बड़े गुलकार थे
आर्ट्स काउंसिल अल्हमरा में लाहौर जब मैं आया तो मैं उनके साथ होता था। उनसे मैंने कहा कि यार मुझे पंजाबी फिल्मों की ऑफर हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे बताओ। कहने लगा कोई मसला ही नहीं है, तुम आज से उर्दू बोलनी छोड़ दो, सिर्फ पंजाबी बोलो, उल्टी सीधी गलत सलत जैसी भी हो पंजाबी बोलो। ठीक है, मैंने पंजाबी बोलनी शुरू की, वो रफ्ता रफ्ता लोगों ने उसकी तस्दीक की और फिर मैं पंजाबी में रवा हो गया। तो वो पंजाबी फिल्म थी चार बूंदे प्यासे, अल्ताफ साहब उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार इसमें इस जो कैरेक्टर है, यानी जो ये ड्रामा फिल्म है, इसमें चार कैरेक्टर हैं जो चार भाई हैं, उसमें सबसे बड़ा भाई जो है वो, उसके लिए तो मैंने तुम्हें सोच लिया है। ये अल्ताफ साहब ने कहा कि सबसे बड़ा भाई जो है वो मैं हूँ, उसके बाद जो और भाई हैं दो वो भी उसने सोच लिए थे, लेकिन जो मुझसे छोटा भाई है जो मुस्तकिल विलन रहता है, मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ उसमें, जो मुस्तकिल विलन है बड़ा खौफनाक विलन है, उसके लिए यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा था भाई आप ऐसा करें, इसके लिए मुस्तफ़ा कुरैशी को ले, वो तो दुनिया भी नहीं जानते। मैंने कहा मैं जानता था, मैं समझ गया ना, सीख ली ना, मैं बात करता हूँ, अच्छा तुम बात करो। मैं गया मुस्तफ़ा के घर, तो मुस्तफ़ा से मैंने कहा, मैंने कहा मुस्तफ़ा यार ये फिल्म है पंजाबी की चार खूंदे प्यासे, तो ये मैं कर रहा हूँ और इसमें एक कैरेक्टर है जो मेरे छोटे भाई का है और बड़ा ही खौफनाक विलन रहता है वो, मैं तो पॉजिटिव हो जाता हूँ, तो वो तुम कर लो। अरे कहने लगे मैं कैसे करूँगा, मुझे तो आती नहीं पंजाबी। मैंने कहा मुझे आती है। अरे रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी, जॉन एलिया, इस खानदान से मेरा ताल्लुक है, जो मुस्तकिल उर्दू बोलने वाले लोग हैं। अरे पंजाबी नहीं सीखी, सीख ली, मैं कर रहा हूँ, तुम भी करोगे, करो करो। खैर मैंने कहा तो वो मान गया। उसने फिर वो फिल्म की चार खूंदे प्यासे और कमाल काम किया उसने, और करने के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी मुस्तफ़ा कुरैशी हो गए। कमाल कमाल माशाल्लाह। खैर बाहर आ, तो ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे इन्होंने बुलाया था किसी कोई अवार्ड देने के लिए बुलाया था। तो ठीक है, मैं अवार्ड देता हूँ और आप लोगों से एक माफ़ी चाहूँगा कि मुझे, मैं एक शूटिंग से आया हूँ अभी, इनसे कह दिया था मैंने कि मैं एक शूटिंग पे हूँ, उनसे एक घंटे की मोहलत लेके आया हूँ और बस ये अवार्ड दे के और 5-7 मिनट बैठ के मैं इजाज़त चाहूँगा। तो सफ़ा से भी और आप सब लोगों से बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जाना है। जी आ गया। जी सर बहुत शुक्रिया आपका। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि फिल्म और अदब दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं होती थी, जो फिल्मी मैगजीन निकलते थे तो वो बैक वक्त फिल्मी और अदबी दोनों मैगजीन हुआ करते थे, तो लोगों की तफरी के साथ साथ उनकी ज़बान की असलाह भी होती रहती थी। अब चूँकि दौर बदल गया है, वैसा नहीं होता, तो आपने उसको ताज़ा रखा। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और मुनव्वर सईद साहब से जब हम लोग फिल्में देखा करते,
Thank you.